नमस्कार, आप देख रहे हैं SSCN न्यूज़। आइए बात करते हैं साक्षी में 78 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो विक्रेताओं की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी रामलीला मैदान के पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो विक्रेता युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4000 रुपये से अधिक नकद, दो मोबाइल फोन व एक यामाहा स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जमशेदपुर पुलिस को साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास ब्राउन शुगर की बिक्री होने की गुप्त सूचना मिलने पर नगर पुलिस उपाधीक्षक अनिमेश गुप्ता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने वहां छापामारी कर यामाहा स्कूटी पर सवार दो युवकों को पकड़ा। इनमें मोनू जायसवाल उर्फ टाटा भालूबासा रोड नंबर 7 का रहने वाला, जबकि दूसरा मोहम्मद साहिल बाराद्वारी न्यू कोयला टाल के पीछे का रहने वाला है। नगर पुलिस उपाधीक्षक अनिमेश गुप्ता ने बताया कि जांच के क्रम में उनके पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसे वे बेचने लाए थे। इसके अलावा उनके पास से 4260 रुपए नगद, दो स्मार्टफोन एवं यामाहा स्कूटी भी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनमें मोनू जायसवाल NDPS एक्ट के मामले में पहले भी आरोपित रहा है। ब्राउन शुगर कल हम लोग को सूचना मिली थी कि साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास में स्कूटी पर दो लड़का जो है ब्राउन शुगर बेच रहा है छोटे छोटे बच्चे को और जो भी उसको पीते हैं। इस सूचना पर साक्षी थाना के पदाधिकारी को एक टीम बनाया गया और उसको उस रामलीला मैदान के जहां पर वो बिक्री कर रहा था उसको कॉर्डन करते हुए और उसको रंगे हाथ बिक्री करते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। उसके पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर, 4260 रुपया और एक जो जिस स्कूटी को इस्तेमाल करके वो बेच रहा था वो स्कूटी और दो मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। एक का नाम सोनू जायसवाल है, एक का नाम मोहम्मद साहिल है, दोनों सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जमशेदपुर एक्चुअली ये बाहर से इसका तो मुख्य रूप से जो है जैसे पूछताछ में बताया कि आदितपुर की कोई महिला द्वारा इसको आपूर्ति किया जाता है फोन और ये लोग फोन जैसे ख़त्म हो जाने से ये लोग वहाँ से लोग मंगवाते हैं और उसके बाद ये लोग घूम घूम कर करके जहाँ तहाँ सूटेबल प्लेस में बेचते हैं जहाँ इन लोग बेच पाते हैं। और दिन भर की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.